हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप के, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे STDP चैनल में। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जो है भारत सरकार के द्वारा रेलवे में अप्रेंटिसशिप पे निकाली गई है। अगर जो लोग भी ITI किए हो, डिस्प्ले पे आपको ट्रेड दिख रहा होगा, इन सभी ट्रेड से आपने अगर ITI किया है तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आपका इसमें डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होगा, 8th का डॉक्यूमेंट्स और 10th का और ITI का, तीनों का मार्कशीट आपका इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसमें मैं आप लोगों को साथ ही साथ बता दूं तो इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है और न ही आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है। डायरेक्ट नंबर बेसिस पे आपका इसमें अप्रेंटिसशिप पे बहाली होने वाला है। तो अप्रेंटिसशिप में आपका स्टाइपन के रूप में लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में आपको पैसा भी इसमें मिल जाएगा। और लोकेशन जो है कोलकाता का लोकेशन है, तो आप लोग को जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो लोग जरूर से जरूर अप्लाई करो। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ कि उसमें आगे क्या क्या चीज का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा रेलवे में वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के तौर पे निकाली गई है। और इसका जो लोकेशन है आपका कोलकाता का लोकेशन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हम लोग नीचे की तरफ चल जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड नोटिफिकेशन का जो डेट यहाँ पे पब्लिश किया गया था 29/3/2022 को किया गया था। और इसका ऑनलाइन डेट जो है आपका एप्लीकेशन का शुरू होने का वो है 11/4/2022 से, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपको PDF का भी लिंक दे दूंगा और एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लिंक दे दूंगा। आपको जब 11 तारीख आए तो उस समय उस लिंक पे क्लिक करना है, आपको सिंपली वहां से फिलअप कर लेना है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो आप लोग को इसमें फिल करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोजिंग डेट जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है वो 10/5/2022 को है। तो आप लोगों को सोच समझ के इसमें अप्लाई करना है। लेकिन बहुत अच्छा चीज है, अगर आप लोग ITI करके घर पे हो तो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप कर लेना है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का बहुत ज्यादा फायदा होता है आगे चल के। तो इसलिए आप लोगों को अप्रेंटिसशिप जो है जरूर से जरूर करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का धारा यहाँ पे लगा के इन्होंने निकाला है, तो ये लोग आप अपना पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो हम लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे और जो लोग भी इस मतलब आप लोग अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग सभी लोग इसमें एलिजिबल हो। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिवीजन वाइज जो है अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। तो आपको जिस भी डिवीजन में फिलअप करना हो आप यहाँ पे अपना देख लेना। तो हावड़ा डिवीजन में यहाँ पे निकाला गया है फीटर का 114 निकाला गया है, जनरल में 28 जो है, EWS में 42, SC में और ST में है 21 और OBC में 76, टोटल जो हो गया 281 यहाँ पे निकाला गया है फीटर में, वेल्डर में। तो अगर आपने जिस भी ट्रेड से ITI किया है तो आप लोग इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये इन सभी चीज में अगर आपने ITI किया है तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे सेकंड जो डिवीजन यहाँ पे निकाला गया है लिल्हू वर्कशॉप के तरफ से निकाला गया है। तो यहाँ पे आप अपना इसमें भी जो लोग मतलब अपना डिवीजन देख लेना, जिस भी डिवीजन में आपको इंटरेस्टेड हो आप लोग इसमें अप्लाई करना। तो इस ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो इसमें जरूर से जरूर आपको अप्लाई करना। फिर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे थर्ड जो डिवीजन आ गया है सियालदह डिवीजन में, यहाँ पे आ गया है। तो जो लोग भी अगर इलेक्ट्रिशियन से किए हुए फिटर तो इसमें आप लोग को यहाँ पे जनरल से जो वैकेंसी निकाली गई 11 और EWS से 3, SC से 4, ST से 2 और OBC से 8, टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 28। तो यहाँ पे आप जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। तो आप लोग अपने से यहाँ पे देख लेना। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ तो दोस्तों फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आ रहा है कांचा पारा वर्कशॉप। अगर आपने इस डिवीजन में कांचा पारा में यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोग भी ITI किए हो इस ब्रांच से तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। आप अपना सभी यहाँ पे देख लेना है,
मैं नीचे डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे मालदा डिवीजन की तरफ से भी निकाली गई है। जो लोग भी आप अपना आईटीआई देख लेना, जिस भी ट्रेड से किए हो तो आप अपना अप्लाई करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना डिवीजन यहाँ पे देख लेना है, उस डिवीजन में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आसनसोल डिवीजन के द्वारा भी निकाला गया है। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जमालपुर वर्कशॉप के द्वारा भी निकाला गया है। तो अगर आप किसी भी ट्रेड से किए हो तो इस सभी ट्रेड को आप लोग को देख लेना है और आपको इसमें अप्लाई करना है। और दोस्तों मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन जो है इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है किसी भी कैटेगरी में, तो आप लोगों को इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे आप लोग यहां पे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें सब है मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। अगर कोई भी बात मेरा छूट जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से लिंक पे क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहां पे अपने से एक बार फिर से पढ़ लेना है अच्छे से। और अप्लाई का भी मैं वहां पे लिंक दे दूंगा, तो आपको वो जो अप्लाई का लिंक है 11 तारीख से ओपन होगा, तो उस लिंक को आप लोग 11 तारीख के बाद ही ओपन करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि पर्सन विथ बैंक, जो लोग भी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आप लोग इसमें देख लेना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि पहला मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे एक बता देता हूँ। फीटर में इन्होंने बोला कि किन्हीं के पास अगर एक हाथ है और एक हाथ नहीं है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपना यहाँ पे देख लेना, पीडब्ल्यूडी में आपका जो भी यहाँ पे है आप अपना देख के यहाँ पे आप अपना अप्लाई करना, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं एज की बात करूं तो एज जो है आपका, अगर आपका 15 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल हो, और मैक्सिमम जो है आपका 24 साल यहाँ पे रखा गया है। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार देखा जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एसटीएससी वालों के लिए 5 साल दिया गया है और ओबीसी के लिए 3 साल, और जो लोग भी पीडब्ल्यूडी से डीप बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 10 साल यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग देख लेना अपना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो लोग भी एक्स मैन सर्विसेज से बिलोंग करते हो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं और मैं आप लोगों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने 10th पास किया है तो 10th प्लस आईटीआई अगर आपने किया है तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल है, मैंने शुरू में ही बता दिया है आप लोगों को। और आपका 50% मार्क्स इसमें जरूर से जरूर होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो लोग भी आईटीआई इस ट्रेड से किए हो तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बात करूं तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी आपसे मांगा जाएगा, तो आपको अपना मेडिकल फिटनेस भी बनवा लेना है किसी भी सरकारी अस्पताल से। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका नंबर बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है। तो इसमें आप लोगों को दो कैटेगरी दिया गया है, अगर आपने 10th प्लस आईटीआई किया है तो उसके नंबर पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, और अगर आपने 8th भी पास किया है, 8th भी अगर आपने पास किया है तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। यहाँ पे देख सकते हो कि 10th का मेट्रिकुलेशन का मार्क्स प्लस आईटीआई का मार्क्स जुड़ेगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने 8 के लिए जो ट्रेड यहाँ पे निकाला गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 8 में आपका 8 का नंबर जुड़ेगा और यहाँ पे आईटीआई का नंबर आपका नहीं कंसिडर किया जाएगा आपने, तो 8 के नंबर पे आपका भी सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पे मुझसे पूछ सकते हो, और साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप का भी नंबर दे दूंगा तो आप लोग मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे STDP चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को घंटे भी दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों मैं आप लोगों को साथ ही साथ बता दूं तो हमारे इस चैनल पे ऑटोकैड का सीरीज चलता है, ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक भी दिख रहा होगा, आप उस पर सिंपली क्लिक करके देख भी सकते हो। और कैट से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी का क्रैकिंग भी मैं करवाता हूं, अगर आप लोगों को क्रैकिंग करवाना हो तो आप लोग बिल्कुल भी TDP से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का नंबर दे दूंगा, आप ऑफिस के नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग फिर से आ जाते हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है सब चीज कैसे आप लोगों को सिलेक्शन होने वाला है इसमें, तो ये आप अपना नोट पढ़ लें, इसमें जो भी बात बोला गया है सभी बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
भारत सरकार के द्वारा जो भी चीज निकाला जाता है उसको पूरे रूल एंड रेगुलेशन से किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फी की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फी होने वाला है 100 रुपीज है ओनली, तो इसमें आपको ओनली 100 रुपया ही लगने वाला है। जो लोग भी STSC PWD ओमेन कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए कोई भी फी इसमें नहीं रखा गया, तो ये फी ओनली जो है जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए और OBC वालों के लिए है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ टू अप्लाई, आप लोगों को अपने से पढ़ लेना है कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। फॉर्म निकलेगा, फॉर्म में आपको फिलअप अच्छे से कर लेना है। और मैं फिर आप लोगों को नीचे ले चलता हूँ, तो नीचे आप लोगों को एक कास्ट का डाउनलोड कर लेना है और उसमें फिलअप करके आपको 11 तारीख से जब आपका ओपन होगा उस समय आपको उसमें फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट देख लेना कि डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगने वाला है, फोटो लगने वाला, सिग्नेचर लगने वाला है, फिर आपका 8th 10th का मार्कशीट लगने वाला है और ITI का सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये सब आप अपना पढ़ लेना। और जो लोग भी PWD से या STSC EWS से बिलोंग करते हैं उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। इन्होंने ये सारे चीज मेंशन यहाँ पे अच्छे से किया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे देख सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है, अगर आपने ये रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो आप अपना यहाँ से पढ़ लेना। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो ये अदर इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को जब आपका इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने आगे मेंशन भी किया है। तो आपका जो ग्रेड पे यहाँ पे मिलने वाला है 1800 ग्रेड पे मिलने वाला है, तो लगभग इसमें आप लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करो। आप लोग ITI अगर किए हुए हो तो आप लोगों को सुनहरा मौका मिला हुआ है, आप लोगों को जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करना है। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो ये सभी चीज आप अपना पढ़ लेना अच्छे से। और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोग भी STSC से बिलोंग करते हो तो ये जो फॉर्म है आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर आपको इसमें फिलअप करके उस समय अगर मांगा जाए तो आपको फिलअप कर लेना है, उस समय आपको अगर मांगा जाए तो उसमें आपको डाल देना है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करूँ तो OBC से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों को ये फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, इसको अच्छे से आप लोगों को फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं और जो लोग भी EWS से बिलोंग करते हो तो उनका इनकम ये आपको आपको डाउनलोड कर लेना है, तो इसको आपको अच्छे से भर लेना है। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो हो गया ये आपका समाप्त। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो और मैं आप लोगों को 100% रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटा सा और रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन सभी जरूरतमंद बंदों को ये वैकेंसी के बारे में पता चल सके, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो है बहुत अच्छा चीज है और इसको आप लोग कर लेते हो तो आगे चल जॉब में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।